मंगलवार यानी 7 मई वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और इस तिथि को अक्षय तृतीया या अक्खा तीज के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की भी आवश्यकता नहीं होती और ये दिन अपने आप में ही परम पुण्य तिथि है। तो आज हम आपको इस तिथि के विशेष महत्व के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि इस दिन किस चीज का दान करना चाहिए जिससे आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अक्षय तृतीया के महत्व से अवगत करवाते हैं। आपको बताएं तो अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त माना गया है। इस तिथि पर सूर्य और चंद्र अपनी उच्च राशि में होते हैं, इसलिए इस दिन शादी, कारोबार की शुरुआत और गृह प्रवेश करने जैसे मांगलिक काम बहुत ही शुभ माने जाते हैं। शादी के लिए जिन लोगों के ग्रह नक्षत्रों का मिलान नहीं होता या मुहूर्त नहीं निकल पाता, उनको इस शुभ तिथि पर दोष नहीं लगता और बिना किसी दोष के आप विवाह कर सकते हैं। साथ ही वैशाख माह भगवान विष्णु की भक्ति के लिए भी अधिक महत्व रखता है। इस माह की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया पर प्राचीन समय में भगवान विष्णु के नर नारायण और परशुराम अवतार हुए हैं। त्रेता युग की शुरुआत भी इसी शुभ तिथि से मानी जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करने की परंपरा है। अब हम आपको बताते हैं आपको इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया पर किए गए दान धर्म का अक्षय यानी कभी नाश ना होने वाला फल और पुण्य मिलता है, इसलिए हिंदू धर्म में इस तिथि को दान धर्म करने के लिए श्रेष्ठ समय माना गया है। इसे चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। इस दिन किए गए दान और उसके फल कभी नाश नहीं होते। इस दिन खास तौर पर जौ, गेहूं, चने, सत्तू, दही चावल, गन्ने का रस, दूध की बनी चीजें जैसे मावा, मिठाई आदि, सोना और जल से भरा कलश, अनाज, सभी तरह के रस और गर्मी के मौसम में उपयोगी सारी चीजों का दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर पितरों का श्राद्ध और ब्राह्मणों को भोजन कराने की भी परंपरा है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।